हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी लेट से आ रही है, बट कोई नहीं, अब वीडियो रेगुलर होगी। और हाँ, आज मैं आप लोग के लेके आ चुका हूँ टॉप 5 इंडियन गेम्स, जिन्हें खेलने के बाद आपको काफ़ी मजा आने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो इंडियन गेम होने वाला है, इसमें हम आपको कई सारे हीरोज के भी गेम बताने वाले। तो हो सकता है कि हम जिस गेम के बारे में बता रहे हैं वो हीरो आपका फेवरेट भी हो सकता है, तो इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप के देखें ताकि आपको हर एक गेम के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल सके। एंड चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को बिना की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों लिस्ट का जो नंबर 5 गेम है वो धूम 3 द गेम। बात करें दोस्तों इस गेम के बारे में, तो यह गेम जो होने वाला है वो काफ़ी मस्त होने वाला है। अगर आपके पास एक नॉर्मल सा डिवाइस फोन है तो आप इस गेम को इजिली स्मूथ तरीके से खेल सकते हो। अगर आपको धूम 3 मूवी देखने में अगर आपको पसंद आया था तो आप इस गेम को एक बार जरूर ट्राई करें, क्योंकि यह गेम जो होने वाला है वो धूम 3 के ऊपर ही बेस्ट होने वाला है। इसमें आपको सबसे पहले कई सारे आपको सुपर बाइक देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कई सारे आपको स्टंट भी देखने को मिल जाएगा। इस गेम में दोस्तों आप चोरी करके कुछ भागते हो, जिसमें आपका पीछा कुछ पुलिस लोग कर रहे होते हैं। एंड ऊपर की साइड में आपको एक हेलीकॉप्टर भी देखने को मिल जाता है, जो कि बम गिराकर और आपको घायल कर देना चाहता है, जिससे आपको बचनी पड़ती है। और गेम का जो ग्राफिक है वो भी काफी अच्छी देखने को मिल जाता है। अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गेम का जो साइज है वो 38 MB और गेम पूरी तरह से ऑफलाइन है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की और दोस्तों लिस्ट का नंबर 4 गेम है वो इंडियन ऑटो रिक्शा गेम। बात करें दोस्तों इस गेम के बारे में, तो यह गेम काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाता है। इसमें आपको ढेर सारी लेवल्स देखने को मिल जाता है एंड आपको एक ऑटो देखने को मिल जाता है, जिन्हें आप फुली कस्टमाइज भी कर सकते हो, जिसमें आप कलर को चेंज कर सकते हो एंड कई सारे आपको पार्ट पुर्जा भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। एंड साथ ही यह जो गेम होने वाला है वो पूरी तरह से ओपन वर्ल्ड होने वाला है। तो अगर आप इस गेम को एक बार डाउनलोड कर लेते हो तो आप पूरे मैप को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड पूरे गेम को इंजॉय भी कर सकते हो। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कैमरा एंगल्स भी देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आपको गेम प्ले करने में एक नेक्स्ट लेवल का फील। बात करते गेम के ग्राफिक के बारे में, तो ग्राफिक काफी अच्छी देखने को मिल जाता है और कंट्रोल्स भी काफी स्मूथ होने वाला है। अगर आपके पास एक नॉर्मल सा भी डिवाइस फोन है तो भी आप इस गेम को इजीली स्मूथ तरीके से खेल सकते हो। गेम का जो साइज है वो 33 MB और गेम पूरी तरह से ऑफलाइन है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की और दोस्तों लिस्ट का जो नंबर 3 गेम है वो RRR। बात करो दोस्तों इस गेम के बारे में, तो यह गेम स्टार्ट करते ही आपको एक इंट्रो से वेलकम किया जाता है, जो कि आपको देखने में काफी मजा आने वाला है। इसमें आपको दो कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको भीम और राम देखने को मिल जाता है। अगर आप भीम के साथ गेम प्ले करना चाहते हो तो इसमें आपको बुलेट के साथ आपको सवारी करना पड़ता है। एंड अगर आप राम के साथ अगर गेम प्ले करना चाहते हो तो आपको घोड़े की सवारी करनी होगी। एंड दोस्तों हम बात करते कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते ग्राफिक के बारे में, तो ग्राफिक काफी अच्छी देखने को मिल जाता है और कंट्रोल्स भी काफी स्मूथ देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, इस गेम को पसंद करने का बस एक ही रीजन है, अगर आप RRR मूवी देखे होंगे तो आप उस मोमेंट्स को देखे होंगे, जिसमें कि आप देखे होंगे भीम और राम मिलकर कैसे उस बच्चे को बचाता है। तो उस सीन्स को इस गेम में ऐड कर दिया गया, जिससे कि यह गेम और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया, लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया इस गेम को। तो अभी तक अगर आप इस गेम को ट्राई नहीं किए हो तो जाके आप इस गेम को ट्राई कर ले। गेम का जो साइज है वो 87 MB और गेम पूरी तरह से ऑफलाइन है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की और एंड दोस्तों अब हम बात करते हैं लिस्ट का नंबर 2 गेम के बारे में, जिसका नाम है सरकार इन्फिनिटी। बात करें इस गेम के बारे में, तो यह गेम शायद आप खेले होंगे। इसमें आपको विजय थालापति का आपको कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आपको गेम प्ले करने में काफी मजा आने वाला है। बात करें गेम के ग्राफिक के बारे में, तो ग्राफिक आपको काफी ओरिजिनल देखने को मिल जाता है और इसमें आपको जितना भी एक्टिविटी देखने को मिलता है काफी रियल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कुछ कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप फाइट करते हो। एंड दोस्तों गेम का एक अच्छी बात यह है कि जब विजय थालापति किसी को मारता है तो इसमें आपको स्लो मोशन में जो दिखाया जाता है वो काफी अट्रैक्टिव लगता है देखने। तो अगर आप इस गेम को अभी तक ट्राई नहीं किया तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। गेम का जो साइज है वो 254 MB और गेम थोड़ी सी ऑनलाइन है, आपको थोड़ा नेट की जरूरत पड़ सकती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की और दोस्तों अब हम बात करते हैं लिस्ट का नंबर 1 एंड लास्ट गेम के बारे में, जिसका नाम मायानगरी मोबाइल गैंगस्टर। दोस्तों अगर देखा जाए तो हम बात करें अगर गैंगस्टर गेम के बारे में, तो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि दोस्तों पसंद करने के भी कई सारे आपको रीजन देखने को मिल जाता है। फिलहाल दोस्तों हम बात करते हैं मायानगरी गेम के बारे में, तो चलिए हम बात करते हैं इस गेम के बारे में। तो दोस्तों आप काफी सारे यूट्यूबर्स के आप रिव्यू देख चुके होंगे, जिसमें आपको ढेर सारे पॉइंट्स के बारे में बताया गया होगा, बट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिक के बारे में, तो ग्राफिक आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाता है इस गेम की एंड आपको जितना भी एक्टिविटी आपको देखने को मिलता है इस गेम में काफी रियल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको काफी सारे आपको कट सीन भी दिखाया जाता है, जो कि आपको बॉलीवुड से कम नहीं लगता है। और हाँ दोस्तों, आप इस गेम को GTA 5 से भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों जो आपको GTA 5 में मिशंस देखने को मिलता है वो आपको इस गेम में भी देखने को मिल जाता है, तो काफी अच्छी बात है। एंड गेम के डेवलपर और भी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि यह गेम काफी ज्यादा अच्छी हो। तो आज की इस वीडियो को करते खत्म और फिर से मिलते किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।